मन पहले पता सी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मी फैजरार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू ब्लॉग लगा करे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाया करे। तो आज का प्लान कुछ ये है कि ज़ारा का बर्थडे है। ज़ारा को ऐसे ही विश कर दिया और ज़ारा का ना मुंह बना हुआ था, तो मैंने ज़ारा को कहा, ज़ारा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है बेटा, तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन कल मेरे एक दो PR हैं इस्लामाबाद में, तो मैं तुम्हें ना इस्लामाबाद ले जाऊँगी। आगे से कहती है, ठीक है आप ही, कोई बात नहीं, आप ठीक होंगी तब कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, चले जाऊँगी मैं PR पे। तो अभी मैंने उसको कहा है कि चलो, उसको यही पता है कि किसी PR को कवर करने जा रहे हैं। मैंने कहा बस खाना खा लेंगे, केक लेके हम लोग जाएंगे इस्लामाबाद। ज़ारा को पार्क बहुत पसंद है, पार्क हो गई, राइड्स हो गई, और बॉलिंग ज़ारा ने कभी भी नहीं की थी। इसको नहीं पता कि जिधर हम जा रहे हैं मेगाजोन, वहाँ पर ही बॉलिंग भी होती है, वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, बॉलिंग भी है, पार्क एरिया भी है, फूड भी इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर। आ गई है ज़ारा? हाय हाय, रेडी हो गई हो? जी। ज़ारा की तरह यार। जी, ज़ारा की आज बर्थडे है, और ये बर्थडे गर्ल इधर देखें। हैप्पी बर्थडे मोटू। हम लोग अभी आए हैं कैपेशियस, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऊपर जाके देखते हैं कि क्या सेटअप है, और फिर बाकी लोगों को बुलाते हैं ऊपर। आप लोग इधर वेट करें, मैं आती हूँ। दुआ जो टेबल मैंने सोचा हुआ था ना ज़ारा के लिए, वो अभी बिजी है, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हम ये कर लेते हैं, मैगाजोन कर लेते हैं, है ना, गेमिंग यहाँ पे है ना, तब तक वो टेबल फ्री हो जाएगा, और फिर एंड पे फिर जितनी गेम्स वगैरह खेलेंगे, और फिर भूख भी ज़ोर से लगेगी। ज़ारा जी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्लोज योर आईज। बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी यार, सस्पेंस ख़राब हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ, वॉच योर स्टेप। खोलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम्हें बॉलिंग करनी थी ना, अभी एक और भी सरप्राइज है वो बाद में, पहले तुम्हें बॉलिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँगी। कैसा लगा? मैगाजोन में हाँ, तेज हो तुम। यहाँ का एक मैं टूर आपको करवा देती हूँ, कि मैगाजोन का जो है ये गेमिंग एरिया है, मोशन राइड भी मिलेगी, और ये सारी 3D गेम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है यार, ये मुझे बड़ा शौक था कि मैं कर सकूँ, पर मुझे नहीं लगता ये मैं कर सकती। हाँ, ये आपने करनी है। आपने करनी है ज़्यादा? नहीं, बहुत ज़्यादा। प्यारी समझ गई, मेरा बड़ा दिल करता है स्केटिंग करने का। चंदा बस कर दे, तेरा तो हर चीज़ पे दिल करना, तू तो कहनी मैं आसमान तोड़ के जमीन पे चढ़ जाऊँ, जमीन तोड़ना। हाँ, आसमान तोड़ने का तो दिल किसका नहीं करता। ये है इन लोगों का बॉलिंग एरिया, कितना कूल है ना। मामा, मैं आपका नाम भी लिख रही हूँ, आप भी खेलेंगी, ठीक है? क्या मामा ने कभी जिंदगी में नहीं की, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि ये ना करें। आज हम मामा को बॉलिंग कराएंगे, पहले मामा का टर्न है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो आप। फिर फायजा का टर्न है, फिर दुआ का टर्न है, और फिर ज़ारा का टर्न है। मामा, कोई एक बॉल आप सिलेक्ट कर दें। ए ए, मन पहले पता सी कि मेरी माँ जो है लाल ही उठाएगी। लाल है, लाल है। अच्छा देखें, ये दो फिंगर्स ऐसे डालनी है, और ये जो थंब है ना, अंगूठा ऐसे डालना है, और ऐसे इसको यूं करके ना ऐसे निशाना लगा के फेंक देना है। समझ आ रही? कोई नहीं, समझ। चलें ये नहीं उठाएं। हाँ ये नहीं, नहीं अंगूठा, ये चील। आ रहे मामा को, आ रहे। मामा इतनी खुश है, मामा ने कभी जिंदगी में बॉलिंग नहीं की। और ये देखो, ये क्या हुआ? मामा की बॉल इतनी स्लो हो जाती है। यार
गर्ल का टर्न मोटो नॉट बैड. तो फर्स्ट पे थी दुआ, कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. और सेकंड पे थी मैं, थर्ड पे थी मामा और बर्थडे गर्ल. थर्ड पे मैं थी, मेरे मामा के 23 थे और मेरे 39. अच्छा 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 अच्छा. रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो. थर्ड पे ये थी. एक तो अम्मी हम सारी बेटियों को मिक्स कर देती है. गेमा शेमा में नहीं अम्मी, कभी कभी खेलनी चाहिए, मूड चेंज होता है. आप सही बताएं, आपने पहली दफा खेली है? खेली है, पर एक्सपीरियंस हुआ है ना? पारे पारे बटे पारे पारे. अम्मी कहती है बॉला इतनी पारी. तो बॉलिंग के बाद अब मामा आपको हम ट्राई करवाएंगे मोशन राइड. मोशन राइड है, एक एडी राइड है. ये आज हम आपको दिलाएंगे और फिर आपको पता लगेगा कि क्या बला है. चीखे तो निकलेंगी, इसमें क्या है ना उस दिन. चलो 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 सारा, अब मोशन राइड ट्राई करते हैं. ओके मामा, काला चश्मा लगा लो. कैसे दिखाए मामा, यू लुक सो फनी. सब 3D ग्लासेस लगा रहे हैं. चले जी, स्टार्ट होने जा रही है आइस वर्ल्ड. मजा आया तुम दोनों को? अम्मी ठीक हो? ठीक हूँ यार, जो करो बस. और अब आप ही और दुआ गेम खेल रहे हैं. सारा आज तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुमने इसको पास कर लिया तो मैं तुम्हें गाड़ी एक्चुअल में ड्राइव करना सिखाऊंगी. ओके एक्सीलेटर पे पाओ दो ना. देख लो मेरे पास, आपको शादी मेरी कराने का बड़ा शौक है ना, मेरे बाद ये ऐसी ड्राइवर बनेगी. कुछ नहीं करना. आप भी अपना सारा गुस्सा निकाल रही हैं यहाँ. मैं तो अब सोच रही हूँ कि मैं इतनी फनी लग रही होंगी जितनी दुआ लग रही है. ये इतनी तेज औरत है ना, इसको पता है हम सब का फर्स्ट टाइम था मेरा और दुआ का, तो हम तो हमारा नेचुरल था. अब इसको पता है इसकी वीडियो बन रही होगी तो ये थोड़े स्टाइल मार के कर रही है. हाँ ये मेगाजोन में आपको सारा कुछ एक ही जगह पे मिलेगा. जो लोग एडवेंचर चाहते हैं और उसके साथ उनको यहाँ पर जिम भी मिलेगी. काफ़ी गेम्स और राइड्स हमने ले ली हैं और अब शदीद भूख लगी और अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सेटअप है वो कैसा है. ये है सरप्राइज. ये वो सरप्राइज था? यस ये है वो सरप्राइज. कम कम अच्छा 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 अच्छा. मैंने इन लोगों को कहा नहीं था कि ये ब्लू करें, लेकिन देखो तुम्हारी मैचिंग हो गया. अब जल्दी से केक काटो ताकि उसके बाद हम खाने का ऑर्डर दें. तुम्हारी ये गेमिंग जोन के चक्कर में मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है. बता हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Moto. Oh, happy birthday to you. वो मजा है मुझे अब बच्चों गर्ल को भी तो जो मैंने सेटअप लगाया है वो ये है, वहाँ पर हमने केक काटा था और यहाँ पर हम खाना खाएंगे, साथ साथ बचपन की यादें ताज़ा करेंगे, है ना मामा? आप बैठे ऐसे ही बैठ के खाओगे ना, साथ साथ झूले माइया, साथ खाना खाना है। क्या हुआ? गिरने लगी थी आप? मामा गिरने लगी थी? नहीं मामा, ट्राई करें, आप तो बचपन में इतनी लेती थी झूले। मैं बहुत लेती थी। हाँ बैठे आप। यार मामा क्या चीज़ है। तो फिर यहाँ पे खाना नहीं खाना आपने? नहीं भाई, ये मजाक नहीं है, ये मजाक। डर के रोटी खाई। यार वैसे हम लोग तो खा लें, मुझे तो ये सेटअप बहुत अच्छा लगा है इनका। यहाँ पे खाना खाने का मजा आता ना, फन है, साथ साथ खाना भी खाएं, साथ साथ ऐसे झूले भी खाएं। कुरी फिर मानती हो ना आप बुढ़ी होगी? हो मानेंगी नहीं, ये मानेंगी नहीं कि ये बुढ़ी हो गई है, ये अपने आप को कुरी कहलाएंगी। देखे ऐसी होती है कुरी है, देखे मुझे तो कोई इशू नहीं है। चलो जी, अब हम खाना जो है वो दूसरे टेबल पे खाते हैं, ठीक है? क्योंकि अम्मा मेरी यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। फूड हमारा आ गया है, हम लोगों ने ऑर्डर किया था आज सारा कुछ ज़ारा का फेवरेट। हमने ऑर्डर किए हैं चौमिन, वाओ, लसानिया, वो है फिश एंड चिप्स, और ये है मंचूरियन विद राइस। चलो जी मामा ठंडा हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या डाल के दूँ? मजे का लग रहा है खाना? जी जी बहुत मजा आ रहा है, शक्ल से बहुत मजे का लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये लज़ानिया ट्राई करूँ। ओए होए होए होए, यम्मी लज़ानिया। अम्मी इसको कहते हैं लज़ानिया, ये ट्राई करें, खाएं जरा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसा, मजे के? और अब बारी है मेरी, अब मैं खाऊंगी लज़ानिया। यम्मी। आज खामोशी खामोशी नहीं है डिनर पे, बहुत माठा माठा। हाँ बहुत खामोशी है, मतलब मिमी नहीं है ना, हमारे कोई स्पून गिर रहे हैं ना, ड्रिंक्स गिर रही हैं ना, खाना गिर रहा है। मेरा बेटा कोई नहीं, आज बच्चे नहीं हैं। वी मिस यू किंजा, गुगू एंड मिमी, तुम लोग हमें बहुत याद आए हो, क्योंकि आज हम बहुत ही आराम सुकून से खाना खा रहे हैं। मेरे बच्चे आ जाते हैं, बहुत आराम सुकून से खाना खा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ रेस्टोरेंट वालों का। यार तो मैं अभी कह रही थी यार मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, किंजा नहीं है, मज़ा नहीं आया, बच्चे नहीं आए, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई टेबल नहीं टूटा, कोई ड्रिंक नहीं गिरी। तो गुगू मिमी मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों के बगैर, शोर नहीं है। गुगू मिमी के चिप्स ये दोनों चुप करके खाई जा रही हैं, खाई जा रही हैं, खाई जा रही हैं। गुगू मिमी आपके बगैर मज़ा नहीं आ रहा यार, चिप्स नहीं कोई खा रहा। ये देखिए ना, फ्राइज भी पड़े हुए हैं, फ्राइज भी कोई नहीं खा रहा आप लोगों के बगैर। अम्मी खा रही हैं, अम्मी आप लोगों को याद कर रही हैं, और फ्राइज एक दो इन्होंने उठाए हैं कि गुगू मिमी की याद में फ्राइज खाए जाएं, लेकिन नहीं यार सीरियसली मज़ा नहीं आ रहा तुम लोगों के बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ारा का बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो गया। वैसे ये तो ज़ारा से पूछना चाहिए, क्यों ज़ारा? बहुत अच्छा, अच्छा लगा आपको, इन्जॉय किया बहुत ज़्यादा। तुम क्या समझी, तुम क्या समझी कि ये प्यार है? मैं इसको घर से ये क्या लाई हूँ, मेरा एक प्यार है वो मुझे कवर करना है। तुम क्या समझी प्यार था ये? मुझे लगा प्यार होगा, मैं भी कहूँ आप ही इतनी रूड, ऐसे कैसे हो सकता है आप मेरी बर्थडे ना करें। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है मैं अपनी मोटो मटको की बर्थडे ना करूँ। तुम्हारी बर्थडे के सारे अरेंजमेंट थे, बस अब एक गिफ्ट जल्दबाजी में मैंने तुम्हारा गिफ्ट नहीं लिया। गिफ्ट रहता है इतना सब कुछ करने के बाद, गिफ्ट की जरूरत नहीं है, गिफ्ट बनता है ना। आप मेरी वैसे भी छोटी मम्मा मेरी जान जी, मैंने आपको बताना था ज़ारा के बारे में, घर जाके बताती हूँ। अभी ना मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है और खाना खाने के बाद लग रही है बहुत शदीद ठंड। अच्छा जी, तो घर हम सब वापस आ गए हैं, और एक चीज़ जिसके बारे में मुझसे बहुत सवाल किया जाता है, तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में वो भी लगे हाथ क्लियर कर दूँ कि ज़ारा मेरी क्या लगती है। तो ज़ारा मेरी सबसे छोटी बहन है, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटी किंजा है,
किन्जा के बाद हमारी दो बहनें हुई थी जिनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद दुआ ज़ारा आती है. दुआ ज़ारा के बाद एक और बहन हुई थी, उसकी भी डेथ हो गई थी. हम लोग टोटल 7 बहनें थीं, जिनमें से 3 बहनों की डेथ हो गई है और हम अब 4 बहनें हैं. माशाल्लाह से अल्लाह हम सबको बुरी नज़र से दूर रखे. और जो ज़ारा है, ज़ारा मेरी सबसे छोटी बहन है. जब ज़ारा पैदा हुई थी तो मेरे दादो के घर में सब लोग डिप्रेशन में चले गए थे. ज़ारा को 2 महीने किसी ने देखा भी नहीं था कि 7वीं बेटी हो गई है. तो ज़ारा हम में सबसे छोटी है और मेरे लिए ज़ारा ऐसी है जैसे मेरी अपनी बेटी है. मैं छोटी सी थी जब ज़ारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आ गई थी. लोगों का बुरा बिहेवियर देख के मेरी मामा बहुत डिप्रेशन में गई थी, तो मैंने छोटी सी एज में मामा को भी संभाला था और ज़ारा को भी ऐसे संभाला था जैसे कोई अपनी बेटियों को संभालता है. तो ज़ारा को मैंने अपने हाथों में पाला है, तो इसलिए आप लोग कह सकते हैं ज़ारा बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है, मेरा बच्चा है अपना. उसका बर्थडे था. ज़ारा मेरी सबसे छोटी बहन है, ठीक है. लेकिन वो लोग जिन लोगों ने मुझे इनबॉक्स किए हैं कि आपने छुपाया हुआ है या आपकी बेटी है, आपने छुपाया हुआ है या आपकी बेटी है, तो मैं आपको शक्ल से इतनी ऐसी लगती हूँ कि मेरी बेटी होगी और मैं अपनी फैमिली पर जान देती हूँ और जो मेरी औलाद होगी, ठीक है, तो उसको मैं छुपाऊंगी दुनिया से? नहीं, मैं दुनिया वार दूंगी उन पर से. तो ज़ारा मेरी औलाद से भी बढ़कर है. ज़ारा मेरी बेटी अगर होती तो मैं कहती, लेकिन मेरी बेटियों से भी पहले ज़ारा है. ज़ारा मेरा ब्लड है, मैं उसे क्यों छुपाऊंगी? तो ज़ारा मेरी सबसे, हम सबका सबसे छोटा पीस है ज़ारा, हमारा लाडला छोटा मुन्ना बच्चा. तो ज़ारा हम सब से बड़ी लगती है, लेकिन आज भी वो उतनी सी है मेरे लिए, मुन्नी चुन्नी सी. कोई भी चीज़ अज्यूम ना किया करें आप लोग. मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोग आपको सब कुछ नहीं दिखाते हैं. एक 15-20 मिनट की वीडियो देखकर आप लोग बैठ जाते हैं शजरा लिखने, ऐसा नहीं होता. आप लोगों को वही पता है जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं. हमारी स्टोरी, हमारे दिल के हाल आप नहीं जानते हैं, हमारी रियल स्टोरी आप लोग नहीं जानते हैं, हमारे एफर्ट्स, हमारे पास्ट आप लोगों को नहीं पता है. तो आप लोग जो है ना 20 मिनट की वीडियो देख कर ना खुद से कुछ अज्यूम ना करें, खुद से शजरा लिखने ना बैठा करें और किसी को भी उसकी ड्रेसिंग या उसके वे ऑफ टॉक या उसके लाइफ स्टाइल से जज ना करें, क्योंकि आप खुदा नहीं हैं. जो इंसान का असली चेहरा है वो खुदा के सिवा कोई नहीं जान सकता. तो ये मेरा आज का मैसेज समझ लें आप. आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना. इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे ख़त्म. आप सब रखें अपना ख्याल और दुआओं में रखें मुझे याद. खुश रहें, आबाद रहें. अल्लाह हाफिज़. लव यू ऑल.